दुआ तो हो चुकी है सरकार महबूबे इलाही की, ये दरगाह है। थोड़ी देर में कवाली स्टार्ट होने वाली है, कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट करके बताना। आज है जुमा का दिन और मैं एक ऐसी जगह जा रहा हूँ जहाँ जाने के बाद लोगों के दिल पाक हो जाते हैं। मैं जा रहा हूँ सरकार महबूबे इलाही हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिरी दे। दिल अंदर से बहुत खुश है। बहुत दिनों से मेरी ख्वाहिश थी कि मैं कभी भी अगर दिल्ली जाऊंगा तो हजरत निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में जरूर हाजिरी दूंगा। जा रहा हूँ सरकार की बारगाह में हाजिरी देने। सारे भाइयों के लिए दुआ करने वाला हूँ। प्लीज वीडियो को लास्ट तक देखना। चलो करते हैं वीडियो को गाइस। दरगाह के आसपास तो पहुंच गया हूँ, बस जस्ट आगे है दरगाह, क्योंकि यहाँ तक ना गाड़ी आती नहीं है, इसके लिए मुझे थोड़ा सा पैदल चलना पड़ेगा। अंकल दरगाह किस साइड है? यार यहाँ पे ना दो रास्ते थे तो मैं रास्ता भटक रहा था, इसके लिए मैंने अंकल से पूछ लिया कि दरगाह किस साइड है। भाई अंदर रख लेंगे यार, दिक्कत कहीं कुछ नहीं है बड़े भाई। चप्पल के लिए लोग परेशान हो रहे हैं। पैसे वैसे नहीं, अम्मी भाई हैं यार। क्या बोल रहे हो? अरे पैसे भी है। सब लोग यार जबरदस्ती मुझे चप्पल के लिए रोक रहे हैं। चप्पल यहाँ रख लो, चप्पल यहाँ रख लो। देख के जहाँ सही जगह मिलेगी वहीं रख लेंगे। रख देंगे चप्पल। हेलो जी, 8 नंबर चप्पल के लिए मुझे टोकन मिल गया भाई। मेरी हाजिरी हो चुकी है भाई दरगाह के अंदर, बट मेन दरगाह उस साइड है और मैं अभी आ गया हूँ अंदर। मैं आपको दिखाता हूँ मेन दरगाह जो है ना हजरत निजामुद्दीन औलिया की, वो कहाँ है। ये देख लो, ये है मेन दरगाह हजरत निजामुद्दीन औलिया की। पब्लिक का क्राउड बहुत ज़्यादा है भाई। ये है मेन दरगाह सरकार महबूबे इलाही की, ये दरगाह है। बहुत प्यारी है भाई, बहुत खूबसूरत है। यहाँ पे कवाली का इंतज़ाम हो रहा है भाई। थोड़ी देर में कवाली स्टार्ट होने वाली है, पहले मैं जाता हूँ और फातिहा पढ़ के आता हूँ, क्योंकि फातिहा सबसे ज़रूरी है। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे भाई हाजिरी नसीब हो चुकी है सरकार महबूबे इलाही की बारगाह में, और अल्हम्दुलिल्लाह फातिहा वगैरह भी हमने पढ़ ली है। फ़ोन अंदर लेके नहीं जा सकता था क्योंकि अदब का दायरा होता है, बहुत सारे लोग फ़ोन अंदर लेके जाते हैं, तो थोड़ा सा एहतराम और अदब का भी ख्याल रखना पड़ता है। बहुत सुकून मिल रहा भाई दिल को। सबके लिए दुआ की मैंने, सारे भाइयों के लिए मैंने दुआ की। अभी थोड़ी देर में ना कवाली वगैरह स्टार्ट होने वाली है, थोड़ी सी कवाली सुनेंगे फिर जाएंगे। अभी ना दुआ होने वाली है तो सब लोग इकट्ठा हो रहे हैं, देख रहे हो यहाँ सारे लोग अभी इकट्ठा होंगे, फिर दुआ होगी, उसके बाद दुआ वगैरह मांग के फिर हम यहाँ से जाएंगे रूम पे। दुआ तो हो चुकी है सब लोगों की, हो सकता है शायद देखते हैं थोड़ी देर में अगर कवाली स्टार्ट हुई तो कवाली वगैरह सुन के फिर चलेंगे। मगरिब की नमाज़ भी मैंने पढ़ ली है यहीं पे। मैं रुक गया था कि मगरिब की नमाज़ पढ़ के जाऊँगा। सरकार महबूबे इलाही का रोज़ा ही कितना प्यारा लग रहा है। और इस साइड ये हजरत अबुल हसन अमीर खुसरो रहमतुल्लाह अलैह की दरगाह है, यहाँ पर भी हाजिरी नसीब हुई है। फातिहा वगैरह मैंने पढ़ ली है, सारे भाइयों के लिए दुआ किया मैंने आज। दिल को बहुत खुशी महसूस हो रही है, दिल बहुत खुश है, बहुत अच्छा लग रहा है। बस दिल की ख्वाहिश थी कि हजरत निजामुद्दीन औलिया की बारगाह में एक बार हाजिरी दे दूँ। बहुत सारी चीज़ें मैं नहीं दिखा सकता पास में जाके, क्योंकि मेरे भाई अदब का दायरा होता है, वो टूट ना जाए, इसके लिए मैं बहुत दूर खड़ा हूँ, पास बिल्कुल नहीं जा रहा हूँ मैं, क्योंकि दिल में जो अदब है ना और एहतराम बहुत ज़रूरी है, इसके लिए मैं पास से कुछ भी नहीं दिखा सकता। फ़ोन वगैरह वहाँ लेके बिल्कुल नहीं जा सकता मैं। कवाली के इंतज़ार में रुका था, बट शायद कवाली जुमेरात के दिन होती है या फिर मेरे आने से पहले ही हो चुकी थी कवाली, इसके लिए मैं अब जा रहा हूँ। मेरे को अब लेनी है भाई यहाँ से चप्पल। भैया चप्पल होगी मेरी वो वाली, पैसा देना पड़ेगा। चप्पल तो ले लिया मैंने, अब कहीं से ना शिरडी ले लेते हैं थोड़ी सी, फिर जाते हैं बाहर।
मुझे एक अंगूठी लेनी है जो कि मैंने देखा है, फूल नहीं चाहिए, मैं तो अंदर से आ गया हूँ भाई। और आँखों भी ठंडा, आँखों में ठंडा भी लगता है। कितने का भैया ये? 90 रुपये? इतना महंगा? कैसा लग रहा है मेरे को कमेंट करके बताना। ब्लॉग बनाता हूँ भाई मैं यूट्यूब पे, बोलना पड़ता है ना। ओ भाई चलो यार, अरे तो उतना ही दूंगा ना, कम थोड़ी दूंगा। चलो आओ, कौन सी ऑटो है? पहले ही नाराज हो जाते हैं यार आप लोग, पूरा 150 लोग है क्या? मतलब लेके ही छोड़ोगे? कितना गंदा वाला जाम रहता है। अरे जाम छोड़ो, चलो बड़े भाई। ओ भाई रिक्शा तो ले लिया हूँ, सब कुछ अच्छे से हो गया, आधी दिल्ली घूम चुका हूँ अभी तक। एक दो दिन में मैं निकल जाऊँगा मुंबई। फिलहाल करते हैं ब्लॉग का एंड, मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट ब्लॉग में।